What's up guys, welcome back to another show. आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की डिबेट ओवैसी के साथ और मजेदार होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थग लाइफ मोमेंट भी होंगे, वीडियो कर दें, हूँ क्या लाइक चैनल बने हुए तो सब्सक्राइब 1 2 3 लेट्स गो। अरे सुधांशु जी एक बात सुनिए, सुधांशु जी एक बात सुनिए, राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई बाबर को किसने बुलाया था? अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर, आप हिस्ट्री को जानते नहीं है ना, आप हिस्ट्री को आधा चाप कर बोलते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और AIMIN के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी में होने वाली है। दोस्तों डिबेट काफी ज्यादा मजेदार हुई है, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सिलेक्टेड कर ले। देखो अपने क्या कर? आज जब आप कहते हैं पुराना हैदराबाद में हमें, ओल्ड हैदराबाद में हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आप जिन्ना से तुलना कर रहे हैं अभी भी बैठकर ओवैसी की, तो क्या माने कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, इस देश में नहीं? तो आपसे कह दिया, अगर इन्होंने कहा कि मौलाना आजाद की तरह है तो फिर वंदे मातरम सरस्वती वंदना से ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर ऐतराज है तो ये सबसे पहले जिन्ना ने किया। साबित कीजिए ओवैसी जी अपनी देशभक्ति। मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। तुमसे ना हो पाएगा। जिंदगी में जब यहाँ से चला भी जाऊंगा ना तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूँ, मैं जूती पर रखता हूँ इनकी देशभक्ति के सर्टिफिकेट को। मैं भारत का वफादार हूँ और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब रहा सवाल कि ये मुसलमान जिन्ना, सुधांशु जी ये बताइए क्या क्या कितने मुसलमानों ने वोट दिया था मुस्लिम लीग को? क्या यूनिवर्सल सफरेज था जब कि हर कोई मुसलमान वोट दे सकता था? वोट डालने का मियार था जो जमींदार थे, जो नवाब थे, जिनके पास इतनी आमदनी का हिस्सा था। सुधांशु जी उन्हीं लोगों ने वोट दिया और वो पाकिस्तान चले गए, ये आप क्यों नहीं बताते बार बार? ये आप हिस्ट्री को आधा चाप लेते हैं और आधा बताते हैं। अगर मुसलमानों को अख्तियार होता तो कोई साथ नहीं देता था जीना का, जब वोट डालने का अख्तियार ही नहीं था। मुझे आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप किसी मुसलमान को देखते हैं तो आप अपनी सोच को बदलिए, और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे पास, और आप यकीनन अपने मजहब पर चलिए, सरस्वती वंदना पढ़िए, वंदे मातरम पढ़िए, मगर आप इस बात को समझिए कि किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। जहां पर नेशनल एंथम का मामला आएगा हम खड़े रहेंगे, जहां पर मेरे बाजू अगर कोई खड़े होकर बोलेगा भारत माता मैं उसकी इज्जत करूंगा, जहां पर मेरे साथ कोई खड़े होकर बोलेगा वंदे मातरम पढ़ूंगा मैं बराबर खड़े रहूंगा, मगर अगर आप ये बोलेंगे कि नेशनल एंथम से हटके हम आपके गले पे रख देंगे, आप गरिये क्यों करेंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है भारत में, खत्म हो गया क्या? क्या मोदी की हुकूमत आई तो क्या किम जोंग की हुकूमत आ गई? क्या संविधान खत्म हो गया? सुधांशु जी तारीख को पढ़ लीजिए और तारीख को पढ़ के कहिए वो जिना थे वो भाग गए पाकिस्तान को, हमको भारत से हमेशा मतलब था। और याद रखिए जितने भारत में कब्रिस्तान है, कभी जाइए उन कब्रिस्तानों में, वो हमारी वफादारी की निशानी है। हमारे बुजुर्ग आज भी सीना तान कर वहां पर सो रहे हैं, और मैं कभी भी अपनी वफादारी को किसी के सामने साबित नहीं करूंगा। भाड़ में जाए, जो करना है कर लो मुझे। आप इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं भारत का था, भारत का रहूंगा, मुझे किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये कब तक देंगे कि आप दुकान खोल के बैठे हैं? आप नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देंगे, कांग्रेस सेकुलरिज्म का देगी? भाई साहब ये दुकान मत चलाइए, देश चलाइए। दिल्ली के बाहर किसान तड़प रहा है सर्दी में, क्यों किसान आया है? आप क्यों को हिम्मत नहीं है किसानों के मसाइल को हल करने के लिए? आप देश के किसानों को बर्बाद करना चाह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी से कह रहे हैं अपनी साबित करो। मैं हरगिज नहीं साबित करूंगा, ना मुझे जरूरत है आप। बस हवा निकल गई। सुधांशु जी देखिए देखिए इन्होंने कहा तो मैं कब मना कर रहा हूं, मैं इनसे पूछूं। अच्छा भारत की सेना का एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी थे जिन्होंने कसम खाई थी महाराणा प्रताप की तरह कि जब तक पाकिस्तान से फला वाली जमीन वापस नहीं ले लूंगा तब तक जमीन पर सोऊंगा, पलंग पे नहीं सोऊंगा। पूछिए नाम बता सकते हैं और कौन सी लड़ाई के लिए पूछा था? नहीं पता होगा। अरे सुधांशु जी एक बात सुनिए, सुधांशु जी एक बात सुनिए, राणा प्रताप की तारीख आप बता रहे हैं। अरे भाई बाबर को किसने बुलाया था?
अरे आप हिस्ट्री को नहीं जानते सर, आप की तरह कहा, अरे आप हिस्ट्री को जानते नहीं है ना, आप हिस्ट्री को आधा चाप कर बोलते हैं, परेशानी तो वही आपसे गुस्से में। अब मैं बता देता हूँ, अरे मेरे मैं बता देता, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना, आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं, आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था, औरंगजेब की फौज में कौन था, अरे भाई कौन मैंने तो था जो शिवाजी से लड़ने गया था, क्या भारत के संघ, सुनिए सुनिए क्या क्या, अरे अरे अपने अपने टर्न पे बोल दे बेहतर रहेगा। सुधांशु जी, सुधांशु जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नेक्स्ट आप आइंदा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए, उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है, क्या कहेंगे उसको आप, उसमें तो भगवान राम की भी तस्वीर तो है, आपसे कह रहा हूँ वैसी जी भारत की खूबसूरती है, वैसी जी इन सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर है, बिल्कुल पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी लगता है कि ये सारे कम्युनल है, तस्वीर है, जय श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है, ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं, प्यारी समझ गई। आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहां पर मैंने इस तरह की बात कही, बताइए आप, चलिए स्पीच चलाइए मेरी अभी, आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहां पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को, मैं तो आपको आप तमाम को बता रहा हूं कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं, तो राम की तस्वीर है, सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान सब की, ये तो यही तो खूबसूरती है भारत की, जो बीजेपी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, भारत के बाइज़र शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है, और आपका होम मिनिस्टर MOS, लेकिन वैसी जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी, आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए, इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्य तरीके से बोला था, आप भी जिस अंदाज में बोलते हैं आप भी एक संदेश देते हैं ना, इंशाल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, अरे पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं, हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा, पार्टी की नस्लें थोड़ी होती हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था, बताइए क्या नाम था उनका, पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका, हम भी पूछे क्या, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, चीटिंग करता है तू। आज जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप थी ना, वो उन्होंने मतलब जो बीच में लाइनें बोली है ना, वो गजब है, कम बोली लेकिन उन्होंने टू द पॉइंट बोली, जैसे वो अगर अकबर इन सब की बात करते हैं तो उसमें तो उनसे पहले तो भगवान श्री राम की भी उसमें तस्वीरें हैं उस तरीके से। बाकी मुझे लगता है कि भैया देखो डिबेट जो होती है काफी इंटरेस्टिंग होती है, आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, लेकिन जो जिस तरीके से जो जवाब काउंटर करने वाली कैपेबिलिटी, एक स्पोक्स पर्सन का सबसे बड़ा काम क्या होता है कि कोई भी आप पे इल्जाम लग रहा है, कोई भी आपके कुछ कहा जा रहा है पार्टी के लिए कुछ भी, ये तो उसको आप किस तरीके से काउंटर कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, क्या आपका उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आपके तरफ से आता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है देखने में, दिलचस्प रहती डिबेट। सर ने कम ही कहा लेकिन आज मुझे लगता है, लेकिन फिर भी जो पॉइंट उन्होंने कहे ना अंजना ओम कश्यप ने, भाई साहब गजब थे, आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना, बाकी और वीडियोस आप शेयर कर सकते हो, लाइक करना मत भूलना, रोज वीडियोस आती हैं, बाय बाय, टेक केयर।